हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति ठाकुर स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग है तीज का, तीज के एक दिन पहले का, जब मैं गई थी शॉपिंग करने। तो मुझे वही कॉस्मेटिक का सामान जो चढ़ाया जाता है वो ख़रीदना था, प्लस अपने लिए भी ख़रीदना था जो मुझे पहनना था। और पर्स मैं भूल गई थी घर पे, लकी के साथ गई थी स्कूटी से, पर्स मैं यहीं पे भूल गई थी। तो मैंने उसको कॉल किया, वो मतलब लाइब्रेरी चला गया था मुझको छोड़ के। फिर मैंने उसको कॉल किया तो वो जो है पर्स मेरी लेके आया। और इधर मैं चूड़ियाँ वगैरह रखी थी तो मैं वही देख रही थी। देन उसके बाद मैं गई थ्रेडिंग करवाने, उसके बाद मैं चाची के यहाँ पहुँच गई क्योंकि मुझे लगवाना था मेहंदी। और एक लोग हैं तो वो बोली थी कि मैं आ जाऊंगी दी आपको मेहंदी लगाने, तो मैं चाची के यहाँ ही बुला ली थी। तो वहाँ मैं मेहंदी लगवा रही थी तो अच्छी लगाई है मेहंदी। और लगवाने के बाद मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को व्लॉग में नहीं लेती हूँ बिना पूछे। मैंने उनसे पूछा आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, उन्होंने बोला नहीं दी आप मुझे मत लीजिए, तो मैंने उनको नहीं लिया। बिना किसी के पूछे आप ऐसे किसी को व्लॉग में नहीं ले सकते। लग गई, अब चलते हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद दूसरे हाथ में भी लग गया, चाय आई है बन के। पियो क्या बताए, सांची मैंने लगाया है लगाई है फ्रेंड्स, तुमने लगाई दीदी तिरछा लगा ली। हाँ भाई तिरछा है, नहीं लगा दिए तिरछा, ये गलत। मैं खा रही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति ठाकुर स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो आज है तीज, तो आप सभी को हरताल का तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कल गई थी मेहंदी लगवा ली हूँ, और इस वाले हाथ में भी आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। तो टाइम हो रहा है 11:30, प्यास वास नहीं लग रही है, बस हल्का हल्का वही सिर दुख रहा है। कल से ही पता नहीं क्यों, कल रात से ही सिर मेरा दुख रहा है। और अभी सब तैयारियाँ वैरियाँ करूँगी शाम तक, अभी कुछ नहीं करना है। तो जैसा भी होगा, और हस्बैंड जी आते हैं कि नहीं आते हैं वो आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा तो पता चलेगा, वो नहीं बता सकती मैं। तो इधर शाम हो गई और तैयारियां मेरी शुरू हो गई। नेल पेंट मैंने नहीं लगाया था तो मैंने सोचा कि नेल पेंट लगा लूं और आपको दिखा रही हूं आप लोगों को कैसी लग रही है। आगे आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स। आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, तो आप देखना चाहेंगे ना, देख लीजिए, ये रहा सरप्राइज। राधे राधे, हमको राधे राधे। सरप्राइज से राधे, पहली बार किसे राधे राधे, नमस्ते नमस्ते करके जाओ अपने रास्ते। नहीं राधे राधे, मेरा लाइक चला दे। आज तीजा व्रत है, निरंजली मैं भी हूँ, निरंजली ये भी है। मैं एक टाइम खाने के बाद निरंजली हूँ, एक कल खा के निरंजली। ये तीजा व्रत है और मैं बहुत बड़ा, इतना बड़ा 65-70 किलो का सरप्राइज हूँ जो मैं आज आया हूँ। अरे 70-75-80 किलो, मैं इतना बड़ा गणेश भगवान की तरह जो है सरप्राइज हूँ, मैं आ गया हूँ। और आप लोगों के बीच में ब्लॉग के माध्यम से मिल रहा हूँ, और आज रात भर मिलूंगा, कल से मेरे फिर चला जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। अभी मैं जा रही हूँ आलता लगवाने, पैर में आलता लगवा लूँगी, फिर आपको पूरा लुक दिखाऊँगी, ठीक है? तो बताइएगा, ये रही मेरी चूड़ियाँ। आई दुल्हन। अच्छा, अब चल रहे हैं पूजा करने। कैसे जवाब करने लगा पापा फोन? नहीं दाब दिए बटन। जैसे तो ताले आ रहे पापा ने। अरे राम, बहुत दिन बाद
नीचे बैठना पड़ रहा है। सामग्री सब तैयार है, पीछे रहने दीजिए ना। हुँ? कहाँ चालू कहाँ हुआ है देख सकते हैं, स्टैंड है तब भी वो उठा के बना रहे हैं। चालू ही नहीं है, बना रहे हैं। अरे लटक के भाई, कैसे पूरा झूम रहा है भैया, इनके सेट कर दो यार, तो सेट कर देंगे। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है यार। पापा भी ये देखिए हमारा वीडियोग्राफर है ये। पूजा को मिली करने दे, कर्पिया देख लेगा फ्री में, फ्री में सब फ्री में बनवा रहे। चलो भैया अब सब कर ले, मैं तो पापा लगे हुए हैं कि दीप जलाऊं। किसे कह दो घी का बोहे लेना डिब्बा, प्लीज मैं बुला रही हूं। पूरा कर लूं तब मेरी सांसों में रे दिया, मैं ये प्यार से बचेंगे जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। हजार अश्वमेध और सैकड़ों वाज यज्ञ करने का फल मिलता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके कारण प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। अब चलिए आरती करिए, मुझे क्या आरती करनी संसार सारम मुझे हारम।
अच्छा झुक जाओ पैर छो अम्मी के पैर छो अम्मी के हाथ तो लगा लो पीछे खा बता अच्छी है जमी नहीं ठीक है खाए लें पहले पानी पै पी ले एक बार प्यास आराम से सर की बार अब बहुत अच्छा लग गया मतलब लो पियो पहुंच ही नहीं पा रहा है खड़े हो जाओ भाजी हाँ आप ठीक है हो गया तुमको सरप्राइज मिल गया बस वही मेरे लिए बहुत है पापा आ गए बस बहुत है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग को बाद में ठीक है थोड़ा पानी पापा चौथी बार मिठाई खाते हो यहाँ पे हाँ नहीं बचा कि नहीं अरे यहाँ दो पीस बच्ची है एक बच्ची है दो बच्ची भाई बच्ची है एक अभी चाय बनाना है लेकिन बनाना हाँ देर हो रहा था लेकिन ना आठ बजे ये नहीं करती क्या व्रत होता जैसी तुम हाथी जैसी चाल ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम चक दुम दुम चक हम साथ साथ है हम साथ साथ है हम भैया क्रिश पापा तो फ्रेंड्स ये था मेरा 30 का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा ये ढीला हो गया पीछे से और इतना सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो नए सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और अपना जो है आशीर्वाद और प्यार बनाए रहिएगा राधे 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 तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग को एक अच्छे से ब्लॉग में तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा